पर बैठाया तो बालों से बुला दिया सला एक गरीब माँ बाप से हुक्म दिया क्या कहेंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत और असंत की व्याख्या किसी कुल से संबंधित नहीं है, किसी जाति से संबंधित नहीं है, किसी वंश से संबंधित नहीं है कि इस वंश में संत होगा इस वंश में दुष्ट पैदा होगा, ऐसी बात नहीं है। एक ही माता पिता से दो प्रकार के संत और असंत हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि उपदनीये का संग जगमाही, एक ही संग पैदा होते हैं, एक ही माता पिता से पैदा होते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में जल जो कजमी गुण भी लगाही, एक की वृत्ति होती है जोंक के समान जो दूसरे का खून पीता है, और दूसरे की वृत्ति होती है जलज के समान कमल के समान जो दूसरे के रक्त की वृद्धि करता है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि ये जो वृत्ति है जलज और जोंक की, ये इस समाज में रहने वाले लोगों की वृत्ति है। दो प्रकार के लोगों की व्याख्या गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने की है, उन्होंने बताया दो भूत स्वर्ग लोके अस्मिन् दैव आश्रये च, इस सृष्टि में दो प्रकार के भूत स्वर्ग हैं, एक को असुर कहते हैं दूसरे को देवता कहते हैं। एक दिन मैं पढ़ा रहा था, मेरे शिष्य कुछ आए हैं विदेश से उनको, तो ये मैं बता रहा था कि देखिए आश्चर्य की बात, रावण और हनुमान जी की बात बता रहा था कि रावण और हनुमान जी ये दोनों, आपको भी शायद पता हो गया नहीं होगा आश्चर्य जाएगा शायद, ये दोनों कजन ब्रदर थे। कजन ब्रदर जानते हो, आजकल कजन ब्रदर करते हैं, हाँ चचेरे भाई आप लोगों ने सुना होगा, ब्रह्मदेव के सात पुत्र, और सात पुत्रों में वशिष्ठ का नाम सुना है बृहस्पति का, देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, और पुलस्त थे दूसरे सप्तऋषियों में पुला पुरस्त क्रतु, और ये प्रतिष्ठित माने जाते बृहस्पति आदि। बृहस्पति के पुत्र केसरी, केसरी के पुत्र हनुमान जी, अग्रसो की बृहस्पति के पुत्र केसरी, केसरी के पुत्र हनुमान जी, और बृहस्पति के दूसरे भाई सगे भाई पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विश्वेश्वरा, और विश्वेश्वरा का पुत्र रावण। कितना फर्क है कोई दूरी, कितनी दूरी है बताइए, कोई दूरी नहीं है। एक ही कुल में पैदा हुई है, परदादा दोनों के एक है, और इसीलिए हनुमान जी जाते हैं तो वो अंगद की तरह उसे गालियां नहीं देते रावण को, बल्कि बड़े प्यार से इज्जत के साथ कहते हैं ऋषि पुलस्ते जस विमल मयंकार, उसके ही हाथ जोड़ करके, बड़ा भाई है उनसे आयु में बहुत बड़ा है, इसलिए विनती करूं जोरे पर रावण सुनऊ मान तजी मोर सिखावन, हाथ जोड़ते हैं प्रार्थना करते हैं, क्यों भाई आदर देते हैं। मेरे अभिप्राय कि असंत कहां पैदा हो असुर कहां पैदा हो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उसकी कोई खास जाति हो वही पैदा होगा, कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी वंश में हो सकता है, एक ही माता पिता से एक देवता पैदा हो सकता है दूसरा असुर पैदा हो सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने केवल इतनी बात कही कि परद्रोही का कैसे जाना जाए कि ये असुर है, कैसे जाना जाए कि ये मनुजात है मनुष्यों को खाने वाला है, मनुष्य समाज को खाने वाला माने मनुष्य का अहित कर, जो समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हो जाए उसको मनुजात कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा परद्रोही परदारवत, जो अकारण दूसरे से द्रोह करता है और जो दूसरे की स्त्री के ऊपर दृष्टि डालता है, परधर्म और जो हमेशा दूसरे के धन को एन के न प्रकार हथियाने की चेष्टा करता है, परद्रोही परदारवत परधर्म और पर अपवाद, जो सदैव दूसरे की निंदा ही करता है चाहे वो कैसा आदमी हो,
अच्छे से अच्छे आदमी के प्रति भी उसके मुख से कोई अच्छा शब्द नहीं निकलेगा, वो यही कहेगा कि वो तो महानीच आदमी। तो सीधा जी कहते हैं ये चार लक्षण जिसमें हैं, परद्रोही, परदार रथ, पर धन, पर अपवाद, काते नर पावर पाप में। ऐसा जो मनुष्य है वो नीच है और उसका जीवन पाप में जीवन है, और साकार मूर्ति है इसका देह धरे मंजाद, वह मनुष्य समाज का नाश करने वाला साक्षात राक्षस है। और इसी प्रकार से एक दूसरी जगह उन्होंने कहा, मां नहीं मां तू पिता नहीं देवा, जो अपने माता को पिता को देव को नहीं मानता, नहीं मानता। एक जगह मैं बैठा हुआ था, बाप और बेटे में लड़ाई हो रही थी। बाप कह रहा था कि मैंने तुम्हें कितनी मिन्नत की थी देवताओं से, देवियों से, महात्माओं से, तब तुम्हें पाया था, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल करके, जन्म दे करके पाल करके बड़ा किया? जानते हो लड़के ने क्या उत्तर दिया? वो कहता, हाँ हाँ हम जानते हैं, आप मुझे पैदा करने गए थे या मजा लेने गए थे? हम तो बीच में टपक पड़े, तो आप क्या करते? सोचो पर जो पुत्र ये सोचता है अपने पिता के प्रति, उसको आप क्या कहेंगे? मनुष्य? तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, ये मनुष्य नहीं है। मां नहीं मां तू पिता नहीं देवा, साधु सन करवाई सेवा, जिनके यहां आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। काये राक्षसों के लक्षण, ये निशाचर है, इनका और कोई दूसरा नामकरण ठीक नहीं, इनको निशाचर कहना चाहिए। और आजकल आप देख लिए तुलसीदास जी के शब्दों में, बाहे फल बहुंच हो द्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा। यहां शुरू करते हो, समाज में वृद्धि किसकी हो रही? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो यहां पर पूरे भारत में 20% लोग मांसाहारी थे, और इस समय का डेटा आप कहीं पता लगाइए, 70 से ऊपर पहुंच गई है। जिन मोहल्लों में, जिन घरों में, बात नहीं कहता, जिन मोहल्लों में कभी शराब कोई व्यक्ति चोरी से ले आता था तो 10 बार सोचता था कोई देख न ले, और यदि मोहल्ले को पता चल जाए कि ये शराब पीता है तो मोहल्ले के लोग उसको देखना पसंद नहीं करते थे। आज की गति देखिए। महात्मा गांधी कहते थे, भारत जब स्वतंत्र होगा तो सबसे पहले दो काम मैं करूंगा, गौ हत्या बंद करूंगा और शराब बंद करूंगा। और गांधी के अनुयायियों ने जब भारत स्वतंत्र हुआ, अब गौ हत्या बंद तो दूर रही, आपको जानकर आश्चर्य होगा 46,000 गवें रोज भारत में कटती है, 46,000 रोज कटती है, और दिनों दिन गऊ धन का ह्रास होता जा रहा है। किसी में साहस नहीं कि बोले। एक दिन मैं बिनवा जी के आश्रम से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने सारा विवरण दिया था, और उसमें बताया था कि कितने करोड़ का इस साल का ठीका है भारत सरकार जर्मनी को गौ मांस बेचेगी, कितने करोड़ का, और उसके बदले में क्या आएगा जर्मनी से, भी उसमें लिखा था कि गौ मांस देगी सरकार, उसके बदले में ये जर्मनी से आएगा, और जो उसके बदले में आएगा उससे आम जनता का कुछ लेना देना नहीं। गांधी जी कहते रहे कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो गौ हत्या बंद होगी और शराब बंदी होगी। आज हमारे यहां हरियाणा में, जहां हम रहते हैं, हरियाणा में घर घर की स्त्रियां इकट्ठा होकर आंदोलन कर रही, और वो जहां शराब के ठेके दिए जा रहे वहां जाकर धरना देती हैं। लेकिन सरकार क्या कहती है कि इनके आंदोलन से कुछ नहीं होगा, हमारे ठेके की लीलामी पिछले साल से अधिक दाम पर हो रही है। भला सोचो। लेकिन मेरे पास रेवेन्यू मिनिस्टर आया वहां का,
मैंने उससे पूछा, आपका भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हैं? कहता गुरु जी हम क्या कर सकते हैं, सरकार की नीति है। अरे आपका तुम मिनिस्टर हो इस डिपार्टमेंट के, कुछ तो कर सकते हो। कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। हम कहा जनता के लिए पैसा चाहिए। हाँ वो कहता क्या करूं, इतने से इतने करोड़ रुपए साल की आमदनी है इससे। हम कहा पैसा किसके लिए चाहिए, जनता के लिए। हम कहा जनता को शराब पिलाकर तुम पैसा इकट्ठा करके जनता का हित क्या करोगे, सोचो पहले। लेकिन नहीं, सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। गौ हत्या और शराब की वृद्धि, ये दोनों किसी भी जाति के किसी भी नेशन के लिए अभिशाप है, लेकिन ये हो रहा है और सारा भारत तमाशा देख रहा है। आप जरा सोचिए, आप किसी के घर जाते हैं, वहां जाने पर उससे आपसे पूछता क्यों भाई ठंडा पिएंगे गर्म, जब आप करिए नहीं हम तो ठंडा ले लेंगे, क्या लाता है आपके लिए? कोका कोला लाएगा, लिमका लाएगा, जो कुछ आजकल चलता है। एक दिन मैंने पूछा, हम कहा कि ये कितने का आता है भाई, हमें क्या पता था कितने का आता है। बताया कि ये 5 रुपए का आता है, ये 4 रुपए का आता है। हमका इसमें है कितना माल, कहा 200 ग्राम। 200 ग्राम एक बोतल में लिमके की समझ लो, 200 ग्राम उसमें पानी, और उस पानी का आप 4 रुपए देते हो 200 ग्राम का, 1 किलो का क्या भाव हुआ, कितनी कीमत हुई भाई? 25 रुपया किलो। मैंने उससे कहा, हम कहा कि तुम 25 रुपया किलो लिमका इनको पिला रहे हो और दूध क्यों नहीं 200 ग्राम इनको दे देते, कितने का आएगा भाई? यदि 10 रुपया किलो दूध हो तुम्हारे यहां तभी 200 ग्राम का कितना हुआ, सोचो पहले। बड़े आराम से दे सकते हो तुम, 4 रुपए का ये ठंडा इनको पिला रहे हो, लेकिन 2 रुपए का दूध नहीं पिला सकते तुम, दोस्त नहीं पिला सकते, 10 रुपए किलो तक, लेकिन नहीं, दूध पीने के लिए तैयार नहीं है वो, कोका कोला पीने के लिए तैयार है, चाय पीने के लिए तैयार है, दूध हजम नहीं होता। जहां दूध नहीं है वहां बुद्धि कहां से आएगी, जरा सोचो तो। आप कल्पना कीजिए समाज के पतन का रास्ता किस प्रकार से स्वयं को प्रशस्त कर रहा, अपने विनाश की दिशा स्वयं मनुष्य कैसे तैयार कर रहा, अनेक प्रकार के गैस्ट्रिक ट्रबल, अनेक प्रकार के रोग इसी अभक्ष भक्षण से हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य उसी रास्ते पर चल रहा। तुलसीदास जी ने कहा कि बाढ़े खल, जब रावण का अत्याचार बढ़ता है तो रावण का समाज बढ़ता है, रावण के समाज का लक्षण बता रहे तुलसीदास जी, बाढ़े खल का खल किसे कहते हैं, का बहुत चोर जुआरा, चोरी जुआ, जुआ खेलने वाला तो चोरी करेगा, नहीं करेगा तो कहां से उसे पूरा करेगा। एक राजा ने अपने देश के सारे व्यसनी लोगों को बुलाया, कहा भाई तुम लोग बताओ तुम्हारा दैनिक खर्च कितना है, हम अपने राजकोष से देंगे, तुम लोग समाज में कोई अन्याय मत करो। ठीक है, आ गया गांजा पीने वाला, उससे पूछा कितना तुम्हारा दैनिक खर्च है, उसने बताया बांध दिया। अफीम खाने वाले को बांध दिया, जितने व्यसनी थे सबके लिए उसने खर्चा बांध दिया। आखिर में बुलाया जुआड़ी को, उससे पूछा भाई तेरा कितना खर्च है, कहता हुजूर का सारा राज्य एक दांव पर, ये भी कोई पूछने वाला है? जुआरी का खर्च कोई दे सकता है? बोला सोचो, युधिष्ठिर ऐसे व्यक्ति जो जुए पर अपने भाइयों को लगा दिया, आखिर में राज पहले लगाया, भाइयों को लगा दिया, आखिर में स्त्री तक को लगा दिया, और फिर जुए में आप स्वयं को हार गया, तो जुए में कहीं अंत है नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं ये खल के लक्षण है और दिनों दिन इसका प्रचलन होता जा रहा है, आप अपने समाज में देखिए। और ये पुरुषों में था ही, अब देवियों में शुरू हो गए, और जो देवी क्लब में जाकर जुआ नहीं खेलती वो तो पिछड़ी भी मानी जाती है, ये तो ऑर्थोडॉक्स है, दकिया नसी है, तो ये तो एडवांस पार्टी में रहने काबिल ही नहीं है। तो किसी से पूछो कि भाई तुम ये अनर्थ कैसे करने लगे, वो कहता क्या करे, समाज के साथ रहना है,
तो वही नारकी समाज तुम्हें मिला है रहने के लिए, कोई अच्छा समाज बना लो अपने लिए, लेकिन ऐसा नहीं। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि तुलसीदास जी यहां पर लक्षण बता रहे हैं, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दारा। जब ये वृत्तियां बढ़ेंगी स्वभावतः पराए धन और पराई स्त्री पर दृष्टि जाएगी, और जब पराए धन पराई स्त्री का लोभ बढ़ेगा तब मां नहीं मात पिता नहीं देवा। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा लड़का पतित हो, चाहे वो स्वयं पतित क्यों ना हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मेरा लड़का भी इसी रास्ते पर चले, क्योंकि वो लड़के का मंगल चाहता है, कल्याण चाहता है। वो सोचता है मैं तो अपना सर्वनाश कर ही रहा हूं, मेरे संतान का नाश क्यों हो, लेकिन संतान कब सुनने वाली है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करो आवई सेवा, जिनके यहाँ आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। ऐसे निश्चर प्राणियों से युक्त जो मानव समाज है, उस समाज को आप कौन से उन्नति की दिशा दे सकते हैं, कहां ले जाएंगे उसे, कौन से उत्थान का मार्ग बताएंगे। इसलिए ऐसे समाज से विमुख होकर के सत समाज की तरफ आपको बढ़ना होगा। यदि आप अपनी उन्नति चाहते हैं, उन्नति माने जानते हो क्या होता है, उन्नति जो आपको ऊंचे ले जाए, नति माने होता है ले जाने वाला, समझे, उत माने ऊपर, नति माने ये नी धातु है, ले जाने के अर्थ में आता है, तो उसका अर्थ होता है उत्नति। उत्नति माने जो आपको ऊपर ले जाए, तो ऊपर ले जाने वाली प्रक्रिया जो है वो तो आपको सत्संग से ही प्राप्त हो सकती है, कुसंग से नहीं मिलती। तो तुलसीदास जी की घोषणा है, कौन कुसंगति पाई नसाई रही न नीच मते चतुराई। आप कितने भी चतुर क्यों ना हो, कितने भी कुशल क्यों ना हो, यदि कुसंगति में आप बैठने लगेंगे तो थोड़े दिन में आपकी चाकरी समाप्त हो जाएगी, और उस कुसंगत का प्रभाव आपके जीवन को अभिशाप बना देगा। इसलिए महापुरुषों की आज्ञा है कि आप अपने जीवन को सत्मार्ग पर ले जाने के लिए सत्संगति की शरण लीजिए, और सत्संगति में जाकर के आपको विवेक प्राप्त होगा। विवेक प्राप्त होने पर ही आप सही में धर्म का अनुसंधान करके धर्म को धारण कर सकेंगे, और धर्म ही आपके लिए अर्थ और काम का और साथ में मोक्ष का प्रदाता बनेगा। व्यास देव ने महाभारत में दोनों हाथ उठा करके घोषणा की है कि धर्म ही मनुष्य के अर्थ और काम का प्रदाता है, यही धर्म मनुष्य के लिए मोक्ष का विधान करता है, और दुनिया ऐसी पागल है, अर्थ के पीछे काम के पीछे दौड़ रही है, धर्म का सेवन नहीं करती। मेरे कहने का अभिप्राय, धर्म अंधविश्वास का नाम नहीं। भारतीय जीवन पद्धति में धर्म की प्रतिष्ठा है, और धर्म का साकार विग्रह हमारे यहां सभी संस्कृत साहित्य को पढ़िए, उसमें एक व्यक्ति को ऋषियों ने सर्वसम्मति से एक घोषणा करते हुए कहा है, रामो विग्रह राम धर्म। राम जो है वो धर्म की साकार मूर्ति। धर्म क्या है यदि इसको जानना है तो तुम राम को जान लो, राम के जीवन को जान लो, राम के जीवन को जानते ही तुम्हें धर्म का बोध हो जाए। धर्म क्रियात्मक है, ये बात याद रखना, धर्म प्रैक्टिकेबल है, धर्म तुम अपने जीवन में उतार सकते हो, धर्म केवल स्वीकृतात्मक नहीं है, धर्म केवल भावात्मक नहीं है, धर्म क्रियात्मक है। आजकल लोग जो धर्म की परिभाषा देते हैं, भाई धर्म को तो पूजा की एक क्षेत्र में रख दो, धर्म का अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई स्थान नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ लोग आए थे, चर्चा कर रहे थे आश्रम में बैठे हुए, और एक ऐसे ग्रुप से संबंधित थे जो धर्म निरपेक्षता की दुआई देता है। मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि यार तुम लोग धर्म और निरपेक्ष दोनों शब्दों का अर्थ समझते हो कि नहीं। तो हंसने लगे, कहने लगे कि बात यह है स्वामी जी, आपके इतना तो नहीं समझता, लेकिन इतना शाब्दिक अर्थ तो आता है, उनका क्या आता है। धर्म और निरपेक्ष दोनों का समन्वय तुम मनुष्य के लिए कैसे कर सकते हो,
क्या दुनिया में कोई मनुष्य धर्म निरपेक्ष हो सकता है जिसे तुम मनुष्य कहो? हां, निशाचर हो सकता है। धर्म निरपेक्ष को तुलसीदास जी ने असुर कहा, मनुष्य नहीं कहा। मानव समाज धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। निरपेक्ष माने ये तो आप लोग जानते हो ना, जिसकी अपेक्षा न हो, जिसकी आवश्यकता न हो। हम आपसे अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा माने अगर सोचिए, अपेक्षा माने क्या होगा? जरूरत, आवश्यकता। और निरपेक्ष माने जिसकी आवश्यकता न हो। धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है धर्म की अनावश्यकता। क्या कोई मानव समाज की ऐसी रचना हो सकती है, सभ्य मानव समाज की? क्या दुनिया में कहीं ऐसा सभ्य मानव समाज है जिसको धर्म की आवश्यकता न महसूस हुई हो? मुझे कभी नहीं मिला। दुनिया के बहुत से देशों में घुमा हूं, एक दिन नहीं, मुझे 20 वर्ष हो गए दुनिया के देशों में घूमते। और जहां लोग कहते थे कि यहां धर्म की आवश्यकता नहीं, ये धर्म निरपेक्ष शब्द कहां से चला जानते हो? रशिया है। ये सेकुलर शब्द, सेकुलर, सेकुलरिज्म जिसे कहते हैं, भारत में भी इसका अर्थ भी लोग नहीं जानते। सेकुलरिज्म किसे कहते हैं? कई पढ़े लिखे अंग्रेजी खां जो अपने आप को मानते हैं, उनसे मैंने पूछा, उनका तुम्हें पता है सेकुलरिज्म का क्या अर्थ होता है? उन्होंने साफ उत्तर दिया, धर्म निरपेक्ष। अरे हम कहा भले आदमी, कभी डिक्शनरी देखने की कोशिश की? चैंबर डिक्शनरी जाकर देखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखो, उसमें तुम्हें उसका सही अर्थ मिलेगा। सेकुलरिज्म माने क्या होता है? और यह सेकुलर शब्द कहां से आया? रशिया। और रशिया वालों ने इस सेकुलर शब्द को अपना करके अपने को किस स्थिति में पहुंचाए हैं यह सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया को 100 वर्ष नहीं बीते थे, केवल 60 वर्षों क्या गलती हुई आज देख रहे हो। जिस कम्युनिज्म ने इस शब्द को आविर्भूत किया था वो मर गया, और बिना मौत का मरा, बिना मारे मरा किसी के। कोई मारता और मर जाता तब तो यह था कि युद्ध करके मरा, लेकिन बिना मारे अपनी मौत मर गया, और आज उसकी नाम पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। आप सोचिए, जिस देश ने इस धर्म निरपेक्ष की दुहाई दे, उस देश की दुर्गति देखते हुए भी भारत के लोग अभी धर्म निरपेक्ष के पीछे पड़े हैं। लोग ये कहते हैं कि हमारा तो देश धर्म निरपेक्ष रहेगा तभी इसका उद्धार होगा, नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं तो देश टूट जाएगा। लेकिन एक सज्जन मेरे से पूछने लगे कि आप क्या समझते हो, धर्म निरपेक्ष न रहे तो देश बचा रहेगा? हमका क्यों नहीं बचा रहे? क्या बात हो गई? देश का धर्म निरपेक्षता और धर्म सापेक्षता से क्या लेना देना? देश देश है, और देश कहते किसे तुम हो? यदि देश माने मानव समाज होता है तो धर्म के नाते ही मानव समाज बधा हुआ है। हम तुमसे मनुष्यता के व्यवहार किसके नाते कर रहे हैं? धर्म के नाते। नहीं तो हम तुम्हारे साथ एक घंटे दिमाग खपा रहे हैं, हमें क्या लेना तुमसे? तुम बड़े आदमी हो, मिनिस्टर हो, अपने घर बैठे रहो। हम महात्मा है, हम तो 2 रोटी खाते हैं, और वो भी कभी कभी, और हमें मिल जाती है, उससे ज्यादा हम लोगों को ज्ञान देते हैं, तुमसे हमें क्या लेना देना? लेकिन तुम मनुष्य हो, मेरे पास आए हो, केवल मनुष्यता के नाते धर्म समझकर हम तुम्हें 1 घंटे दिए। ये धर्म सापेक्ष हुआ, धर्म निरपेक्ष हुआ? हम कहा यदि इंग्लैंड में तुम होते, अमेरिका में तुम होते, तो 1 घंटे देने वाला तुमसे कहता कि इतना पैसा पहले रख दो फिर हमारे पास जाओ, क्योंकि हर एक काम पैसे से नापा जाता है। ये भारत है, भारत में धर्म निरपेक्ष जीवन नहीं जी सकता कोई। और उस धर्म को तुम सोचते हो उसकी आवश्यकता ही नहीं है? कोई मानव समाज बन सकता है ऐसा जिसमें धर्म की प्रतिष्ठा न हो? मेरे को तो अभी तक मिला नहीं कोई। और जिसने मानव समाज के इस प्रकार की रचना की कल्पना की, वह विनाश के गर्त में चला गया। ये बात याद रखो। और फिर भी एक बात और समझ लो, इस देश में यहां धर्म है, और धर्म ही यहां पर जहां पूजा गया है, दुनिया के देशों को जिसने धर्म की सीख दी है, और दुनिया में जहां पर मनुष्यता का संस्कार देखने को मिला है वो धर्म के आधार पर मिला है, और वहां तुम बता रहे कि हमें धर्म की जरूरत नहीं,
फिर जरूरत किसकी है? धर्म के तो है, सिक्के के दो पहलू हैं, एक धर्म है एक अधर्म है। बोले नहीं अधर्म तो हम नहीं चाहते, फिर क्या चाहते हो? अधर्म नहीं चाहते तो धर्म चाहोगे, धर्म नहीं चाहोगे तो धर्म चाहोगे। जैसे हमारे यहां वेदांत में बताया गया, जो सत्य बोलता है वो धर्म बोलता है, जो धर्म बोलता है वो सत्य बोलता है। हम सत्य तो नहीं चाहते, फिर क्या चाहते हो? झूठ चाहते हो? सत्य नहीं बोलोगे झूठ बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे सत्य बोलोगे। क्या सत्य और झूठ के बीच का कोई और रास्ता है? इज एनी वे यू कैन सत्य? क्या सत्य और झूठ के बीच का कोई रास्ता है जिसको तुम प्रतिष्ठित कर पाओगे? नहीं है। यदि सत्य और झूठ के बीच का कोई रास्ता नहीं है तो धर्म और अधर्म के बीच का रास्ता कैसे हो सकता है? इसलिए मेरे देवता, धर्म विहीन कोई समाज नहीं बन सकता। हमारे देश का आइडियल पुरुष राम है, और उसको क्या कहते हैं? राम विग्रहवान धर्म। राम धर्म की साकार प्रतिमा है, मूर्ति है, साकार विग्रह है, और राम में सारा भारत गुथा हुआ है। आप जरा देखिए, भारत के एक महान तत्ववेत्ता कवि जिसका नाम था कालिदास, आप लोगों ने सुना होगा उनका नाम, उन्होंने राम के स्वरूप का वर्णन किया है। राम कैसे हैं, कैसे महान हैं, बहुत विस्तृत रूप से राम की व्याख्या की। और उनसे पूर्व महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने राम की महिमा को सारी दुनिया में प्रतिष्ठित किया, उस वाल्मीकि से पूछिए कि राम कितने महान हैं। वाल्मीकि ने राम के अनेकों गुणों की गाथा सुनाई, लेकिन वाल्मीकि के गुरु जिससे वाल्मीकि को ज्ञान हुआ, आप जरा सोचिए इस क्रम में चलते जाए, राम की महिमा रघुवंश महाकाव्य में पढ़िए, महाकवि कालिदास के शब्दों में राम की महिमा वाल्मीकि से पढ़िए, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। लेकिन महर्षि वाल्मीकि को जिन्होंने राम तत्व का बोध कराया, वो वाल्मीकि जी के गुरु थे। कौन? महात्मा नारद, देवर्षि नारद। और देवर्षि नारद अपने शब्दों में भगवान राम के स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। राम कितने महान हैं, राम कैसे हैं, अब राम की गंभीरता का वर्णन कर रहे हैं, राम की दृढ़ता का वर्णन कर रहे हैं, धैर्य का वर्णन कर रहे हैं। राम में धैर्य है हिमालय के समान, जैसे हिमालय है हिमालय के समान राम में धीरता है, और समुद्र के समान राम में गंभीरता है। आप जरा सोचिए, समुद्री राम हीरो अचलो हिमवानिव, राम कैसे कहा? समुद्र के समान गंभीर है और हिमालय के समान अचल है, धीर है। और भारत किसे कहते हो? भारत क्या है? भारत की व्याख्या क्या है? व्यासदेव अपने विष्णु पुराण में लिखते हैं, उत्तर से समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिण तद्वर्षम भारतम नाम भारतीय संति। जो समुद्र से उत्तर है, हिमालय से दक्षिण में, वो महान भूखंड भारत है। और हिमालय की दृढ़ता और समुद्र की गंभीरता दोनों जिस व्यक्ति में, वो क्या है? भारत का साकार विग्रह। राम क्या है? राम माने भारत, भारत माने राम। अरे कुछ वर्ष पहले है, आपने सुना होगा इंदिरा इंडिया तो इंडिया इंदिरा बनी कि नहीं बनी? लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने, वो तो चापलूसों ने कहा था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि, देवर्षि नारद, महाकवि कालिदास, ऐसे ऋषियों ने, तत्ववेत्ताओं ने घोषणा की कि भारत ही भगवान राम है। समुद्री उगम भोजो अचलो हिमवानिव, जहां हिमालय और समुद्र एक होते हो, जिसमें हिमालय और समुद्र एक साथ प्रतिष्ठित हो, वो राम है। और हिमालय से समुद्र तक जिसमें प्रतिष्ठा है, वह राम क्या है? कहा भारत है, भारत का साकार रूप है, साकार विग्रह है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय जीवन विधान साकार रूप से राम में प्रतिष्ठित है। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि भारत की मानता धर्म से। आपको एक बात और निवेदन करूं, आज दुनिया के देशों में हम घूमते हैं, दुनिया के लोग मेरा आदर करते हैं, किसके नाते?
हम एक धनी देश के नागरिक नहीं, दरिद्र देश के नागरिक हैं। हमारी सरकार ने कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जिससे भीख न मांगा। इसलिए दुनिया में धन के नाते हमारा आदर हो ही नहीं सकता, शक्ति के नाते भी हमारा आदर नहीं है। आप जानते हो हम कितने शक्तिशाली हैं, कितने शक्तिशाली हैं जानते हो। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके नाते दुनिया में आदर होता है व्यक्ति का। समाज में आपका आदर कैसे होता है? या तो आप धनवान हो या तो आप बलवान हो। धनवान बलवान नहीं तो गुणवान हुआ। और गुण की परीक्षा आजकल विज्ञान के क्षेत्र में होती है, और विज्ञान में भारत की स्थिति कहां है भी आप जानते हो। इसलिए आज न तो हम धनवान रहे, न बलवान रहे, न गुणवान रहे, फिर रहे क्या? जिसके नाते दुनिया में हमारी आदर हो, प्रतिष्ठा हो। केवल एक ही हमारे पास निधि है, वह है धर्म की। आज दुनिया हमारा आदर करती है हमारे अतीत के धर्म के नाते, वर्तमान में तो भी नहीं रहा, लेकिन हमारे पास वह वेद से लेकर के रामायण तक का साहित्य, जिनको ऋषियों ने अपने तपोपूत जीवन के अनुभव से अभिव्यक्त किया है, उन्हीं के उस निधि को लेकर हम दुनिया में घूम रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कोरिया में, साउथ कोरिया में एक विश्व धर्म सम्मेलन था, बहुत बड़ा सम्मेलन था, 130 देशों से लोग उसमें भाग लेने आए थे। भारत से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे चुना गया था, मैं उसमें भाग लेने गया था। 7 दिन वहां मैं रहा, उसके विषय में हमारे पत्रिका में आता रहा सारा विवरण, क्या क्या वहां पर हुआ। और हमने देखा वहां दुनिया के सभी धर्मों के अनुयायियों ने उस सभा में बैठ करके जब चर्चा हो रही थी, एक व्यक्ति खड़ा हुआ कुछ करने के लिए, एक इजिप्ट का रहने वाला